झुंझुनू जिले के बुआना थाना इलाके में कुछ बदमाशों ने भीड़ व बुआना में तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया। साथ ही बदमाशों ने इस दौरान वहां मौजूद लोगों पर डंडों व सरियों से हमला बोल दिया। आरोप है कि बदमाशों ने तोड़फोड़ के दौरान 20 लाख की फिरौती की मांग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर DSP मुकेश चौधरी व CI महेंद्र सिंह पहुंचे। बदमाश जयसिंहपुरा की गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बदमाशों ने भीड़ की कड़बी की मारुति बायोफ्यूज कंपनी में कैंपर में सवार होकर 5-6 बदमाश पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां मौजूद मुनीम व चौकीदार के साथ मारपीट भी की। बदमाशों ने मुनीम को कंपनी चलाने के लिए 20 लाख रुपए देने की बात कही। इसके बाद बदमाश बुआना पहुंचे। यहां बीकानेर मिष्ठान भंडार पर तोड़फोड़ कर संचालक प्रेम पर डंडों से हमला बोल दिया। बाद में हमलावर मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना को देख आसपास के दुकानदार भी सहम गए। घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। पुलिस CCTV की फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। करीब 10 बजे लोग आए, 7-8 लोग आए और आके यहाँ पे हंगामा करने लग गए। जोर जोर से लठ और उनके पास रोड थी। हमारे 2-3 आदमियों को घायल किया उन्होंने और घायल करने के बाद हमारे ये सारे शीशे जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये सारे तोड़ दिए। अंदर कमरों के शीशे तोड़ दिए, गल्लक तोड़ दिया और सारी कुर्सियाँ तोड़ दी। जो गल्लक में रुपए थे वो लेके चले गए। वो कहाँ के आए और लास्ट में जाते टाइम हमारे से उन्होंने फिरौती की डिमांड करी कि हमें 30 लाख। कितने की फिरौती मांगी है? 30 लाख रुपए हमें चाहिए, नहीं रोज ऐसा ही तांडव होगा तुम्हारे साथ।